ये है फुंदू। मैडम भी यही बोल रही थी फुंदू। तो एक केक का ऑर्डर की है, 125 रियाल का है। तो देखो ऑर्डर हो गया, अभी रेडी होगा। तो ये है फुंदू केक। तो फुंदू केक ले लिया मैं, अब चलो इसको पहुंचाते हैं कफिल के घर पर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी शाम के टाइम हो रहा है 4:08, आप लोग देख सकते हो। आज दिन में कोई भी ड्यूटी नहीं आया था, तो दिन से मैं वीडियो को स्टार्ट नहीं किया था। और अभी वो बैंक वाली मैडम एक रिकॉर्डिंग भेजी है और एक लोकेशन भेजी है, बोली है वहाँ पर जाने के लिए। तो चलो देखते हैं कहाँ का लोकेशन है और क्या मंगवाती है। तो चलो वहीं पर मैं पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ये देखो, कार क्लीन किया था मैं और कबूतरों ने क्या कर दिया है, साफ करना पड़ेगा फिर से। तो चलो वाइपर से साफ कर दिया मैंने, बाकी जो बोनट पे है वो बाद में साफ करेंगे। चलो निकलता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रहा वो लोकेशन, फुंदू, फुंदू केक, ये बारात घर के सामने है। कसर फुंदू केक में चलते हैं और फिर मैडम का बात करवाते हैं। ये है फुंदू। मैडम भी यही बोल रही थी फुंदू। तो एक केक का ऑर्डर की है, 125 रियाल का है। तो देखो ऑर्डर हो गया, अभी रेडी होगा। तो ये है फुंदू केक। तो फुंदू केक ले लिया मैं, अब चलो इसको पहुंचाते हैं कफिल के घर पर। तो अभी बाद में फ़ोन की थी, ये उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ है, तो ये अभी जाके लेके आया मैं। चलो अब इसको पहुंचाना है कफिल के घर पे। तो दोस्तों ये केक लेके आ गया मैं इधर कफिल के घर पे, चलो दे देता हूँ मैं। तो केक दे दिया मैं, अब चलो चलते हैं रूम पे, देखेंगे और कोई ड्यूटी वगैरह आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया था, अपने रूम पे जा रहा था मैं, तब तक वो कफिल की वाइफ फ़ोन की जो रात को बोली थी वो कपड़ा लाने के लिए टेलर के पास से। तो रात को तो खलास नहीं हुआ था, पर अभी बोल रही है कि अभी जा कर ले कर आओ और लेट नहीं होना। तो चलो जा कर ले कर आते हैं। आज केक वगैरह आ रहा है, नया कपड़ा आ रहा है, लगता है कुछ है। तो दोस्तों आ गया मैं टेलर के पास, चलो ले लेते हैं जाके कपड़ा और फिर चलते हैं। तो ये कपड़ा ले लिया मैं, चलो अभी इसको पहुंचाना पड़ेगा वहीं कफिल के घर पे, चल के पहुंचाते हैं। तो ये कपड़ा लेके पहुंच गया मैं इधर कफिल के घर पे, चलो दे देता हूँ। तो ये बर्तन दिए हैं और बोले हैं कि गाड़ी में रखे रहो, रात को 9 बजे वो लोकेशन भेजेंगे और फ़ोन करेंगे किसी होटल का, वो होटल में जाना होगा, इसी में खाना लेके फिर कहीं पहुंचाना होगा। ये लोग जा रहे हैं अभी गाड़ी में सब सामान वगैरह भर के, रात को आज पार्टी है। तो चलो चलता हूँ मैं अभी रूम पे और इंतज़ार करेंगे। और देखो आज 9 बजे जाना है तो आज खाना बन नहीं पाएगा, तो होटल से ही खाना पड़ेगा, या तो अभी से ही बना लो या फिर खाना पहुँचाने के बाद आके बनाओ। अभी से धूप रहता है तो गर्मी लगता है, गर्मी में हालत ख़राब हो जाता है उधर किचन में, क्या बनाएंगे अभी, देखेंगे जो होगा। तो दोस्तों रात के 9:30 बज रहा है और जैसे कफिल बोला था कि 9 बजे वो बोलेगा कि होटल में जाना है खाना लेके आना है, मैं इंतज़ार कर रहा था
इंतज़ार करते करते 9:30 हो गया, तो अभी मैं फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, कब तक जाना है वो होटल में खाना लाने के लिए। तो वो बोल रहा है अभी मैं बताऊंगा बाद में, और पता नहीं कब तक बताएगा, कितना देर पर बताएगा। मैं खाना वगैरह तो बनाया नहीं था, तो चलो अभी काम करते हैं, चलते हैं मार्केट में और खाना ला के खा लेते हैं। जब भी वो बताएगा जाके उसका खाना पहुंचा देंगे। देखो 9:33 हो रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप फ़ोन करेगा, आप फ़ोन करेगा, फ़ोन नहीं किया तो मैं खुद ही फ़ोन कर लिया। तो आ गया मैं मार्केट में, चलो वहाँ से ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो ले लिया मैं सब्जी, चलो आगे से रोटी ले लूँगा मैं, रोटी यहाँ से ले लेता हूँ मैं। तो ले लिया मैं ये रोटी। देखो इंडिया में ये 1 रियल का रोटी लेता और फिर ये पोलोथीन मांगता ना मैं, तो लड़ाई हो जाता है। बोलते 1 रियल का रोटी ले रहा, ऊपर से पोलोथीन भी चाहिए, भाग यहाँ से। पर यहाँ जो चीज मांग दिए वो देना ही पड़ेगा, नाकुर मुकुर करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा कानून है, सीधे 20-25 हज़ार का लगता है फाइन अगर कंप्लेन कर दो तो। तो दोस्तों 9:49 हो रहा है, मैं खाना लेके आ गया। तो चलो दोस्तों मैं खाना वगैरह खा लूँगा, खा के रेडी रहूँगा, कफील जब बुलाएगा तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वही अपना रेगुलर गोभी की सब्जी है, खाओ के अपना रेडी रहता हूँ। तो दोस्तों आज दूसरा दिन हो गया, कल रात को कफील के घर वाले फ़ोन करके नहीं बोले थे वो होटल के बारे में। अब देखो मैं फ़ोन किया था तो वो लोग मना नहीं किए थे कि होटल से खाना नहीं लाना है, ये बोले थे कि अभी नहीं लाना है मैं बताऊंगा। और देखो मैं इंतज़ार करता रह जाता, खाना वगैरह नहीं खाता, तो रात के 1-2 बज जाता, फिर उसके बाद खाना वाना मिलता भी नहीं, और उसकी वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाया था, आप लोगों ने देखा। तो यही होता है, ये लोग सही सही बताते नहीं है, ये सोचते कि कहीं इधर उधर चला जाएगा अपने दोस्त के रूम पे, वो लोग बाहर गए हैं। तो यही है बाकी। चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वसलम, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।